उद्योग व्यापारों को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाओं से व्यापारियों को लाभान्वित किया जा रहा है। छोटे जितने भी दुकानदार हैं उनसे लेकर जितने भी बड़े उद्योग के व्यापारी हैं उनका सरकार के द्वारा बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। अगर बात अलीगढ़ में प्रोडक्ट की कही जाए तो अलीगढ़ में तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इन्हीं सब प्रोडक्ट को लेकर आज सबमिट में जो भी जानकारी दी जा रही है सरकार के द्वारा वो व्यापारियों तक पहुँच रही है। कितने वो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और क्या कुछ खास बात है अलीगढ़ के प्रोडक्ट में, इन सारी बातों को जानने के लिए जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं हम उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी है। क्या नाम है आपका? मैं सत्यप्रकाश प्रजापत। तो ये किस तरीके के प्रोडक्ट हैं? ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, ये पूरा टोटली हैंडमेड है ये, और ये बड़ी बड़ी अच्छी कारीगरी से ए टू जेड वर्क हैंड वर्क किया हुआ है। इस पर नक्काशी की हुई है जैसे सोना चांदी होती है। और वर्ल्ड में पहली बार मैंने बजने वाला संघ बनाया है जो बजता है, चार साल की रिसर्च के बाद बनाया है मैंने। मुझे एक ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, ब्रह्मस्वरूप जी महाराज छोड़ानी वाले, उन्होंने प्रेरित किया था संघ बजने वाला बनाने के लिए। वो मैंने फिर वो उस पर रिसर्च शुरू की तो भगवान की कृपा से वो बजने लगा, वो आज भी बजता है। और इसका बजने वाला संख पहली बार आपके द्वारा बनाया गया, 4 साल की कड़ी मेहनत लगी, तो किस तरह की डिमांड है इसकी बाज़ार में और अन्य जगह पर? बाज़ार में डिमांड तो बहुत है लेकिन बनते कम हैं, ये बनते कम हैं, 4-5 डेली बनते हैं मुश्किल से, डिमांड बहुत है हमारी। सरकार के द्वारा जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं किस तरह की मदद की जा रही है? जैसे आज समिट लगी है इसमें आपके द्वारा प्रदर्शनी लगाई जा रही है अपने अपने प्रोडक्ट की, सरकार का इसमें कितना रोल है? सरकार मदद को कर रही है, मुझे सरकार की वजह से ही उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है मुझे 24 जनवरी को। हाँ, माननीय श्री राकेश सच्चान जी के द्वारा मुझे अवार्ड मिला है और हमारे उद्योग भवन वालों ने ही मुझे प्रेरित किया था कि भाई बड़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाई है और आप अपने प्रदर्शनी में लगाते हैं तो आपकी कुछ हेल्प भी करेंगे, और हेल्प भी कर रहे हैं, मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोग। और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपके द्वारा हैंडमेड बनाई जा रही हैं? मैंने गुरु गोविंद जी की मूर्ति बनाई है मैंने 3.5 फुट की जो लखनऊ में लगी हुई है, और मैं फ़ोटो से ही बना देता हूँ, सारे महानुभावों की मूर्तियाँ बनाते हैं हम लोग फ़ोटो से ही। जितने भी लोग हैं चाहे वो भगवान हो चाहे वो कलाकृति हो, सभी तरह की आकृति इनके द्वारा फ़ोटो से ही बना दी जाती है। कितनी खूबसूरत मूर्तियां आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए ये वो शंख है जो इनके द्वारा कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है, ये वो शंख है जो लंबे समय के बाद बाज़ार में उतारा गया है। इस बाज़ार में इस शंख की काफ़ी कीमत बताई जाती है, और देखिए ये बजाकर भी दिखाएंगे किस तरीके से इस शंख को बनाया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बजता हुआ भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है जनता के लिए। लंबे समय से इस तरह की चीज़ों को बाज़ार में उतारने के लिए सरकार के द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही है, सरकार के द्वारा लोगों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नक्काशी हाथ से बनी हुई मूर्तियां, ये वो हाथ से बनी हुई मूर्तियां हैं जो बाज़ार में हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आम जनता को लाभ देने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनके ये प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ये ताले हैं जो गेट के जो ताले हैं वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ तालों के लिए काफ़ी विकसित माना जाता है, अलीगढ़ में तरह तरह के ताले बनते हैं, उद्योग का केंद्र अलीगढ़ को माना जा सकता है। ये कुछ लोग हैं मेरे साथ, क्या नाम है आपका? किशोर गुप्ता। क्या खास चीज़ है आपके द्वारा बनाई गई है? ये ब्रास में पीतल की मूर्ति जो है ये हम उत्तर प्रदेश योजना में सबका साथ सबका विकास, गवर्नमेंट इसमें लोन दे रही है और मेड इन भारत के तहत योगी जी की मोदी जी की योजनाएं हैं जिस पर अलीगढ़ में एक दूसरे से व्यापार का लिंक है। 8-10 बार ढलाई निकल पॉलिश करने के बाद में ये अब ये सैंपल तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे कारीगर एक से एक
तो ये मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं या ये सब हैंडीक्राफ्ट द्वारा काम है जो एक दूसरे को रोजगार, सबका साथ सबके विकास में ये आयोजन किया जा रहा है। जनता को रोजगार देने के लिए सरकार योजना चला रही है, कहीं ना कहीं जनता को रोजगार भी मिल रहा है, तो सरकार का इसमें किस तरीके का रोल है आपके लिए? सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट दे रही है, लोन भी दे रही है, 1% पे लोन है जिसको आपको मतलब जितनी सराहना की जाए गवर्नमेंट की वो उतनी काबिले तारीफ है। तो देखिए ये यहाँ के लोग हैं जिनके द्वारा हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट यहाँ सजाए गए हैं, प्रदर्शनी बाकायदा लगाई गई है हैबिटेट सेंटर अलीगढ़ में। ये हाथों से बनाए गए आलीशान जो प्रोडक्ट हैं कहीं ना कहीं आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। आपने क्या बनाया है? हमने तो इन्हें तैयार किया है। ये तैयार किया है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? इसको गेट लाइट बोलते हैं। गेट लाइट जी। तो ये किस मशीन से बनाई है, किससे? डाईकास्टिंग से होती है। डाईकास्टिंग से जी। तो जनता को किस तरीके का लाभ मिलेगा जैसे आप लोग बना रहे हैं इसे? इसको लगाने से उजाला होगा, लाइव वो मिलेगा इसको। जैसे मशीनों से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट महंगे होते हैं, जो हाथों से जो बनाए जाते हैं उन वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सस्ते भी बताए जाते हैं। तो सब हैंडमेड आइटम है। जब ये सब हाथों से बनाए गए, ढलाई करके सब फिनिशिंग होती है, फिर पीयू पेंट लगाया जाता है, सब वो चीज़ है। किस तरह की खासियत है जी इन प्रोडक्ट में? इनकी गारंटी है, कभी रंग फेड नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है, सब एल्युमिनियम का हुआ पीस है। सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप कितना लाभान्वित हो रहे हैं? वो तो सर हम लेबर हैं, वर्कर हैं हम, तो उनको जनता को लेबर को काम मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या छोटे छोटे वो हैं, सबको काम मिल रहा है, सबकी रोजी रोटी चल रही है इन सब से। तो ये थे यहाँ के लोग जिनके द्वारा ये समिट में हिस्सा लिया गया है और हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट यहाँ प्रदर्शनी हैबिटेट सेंटर अलीगढ़ में लगाए गए हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।